रायपुर एसएसपी की बैठक के बाद पुलिस ने गुढ़ियारी में हथियार लेकर घूम रहे दो युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से देसी कट्टा एवं एक्टिवा वाहन जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी रोहित उके और सतीश यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। महासमुंद जिले के बसना फोरलाइन में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। वन कर्मी सदानंद प्रथम साकरा थाने में ग्राम गौरैया निवासी थे, जो रात को ड्यूटी कर सुबह अपने सफेद रंग की एक्टिवा से घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान खेमरा ओवर ब्रिज के पास पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बिलासपुर में अरपा नदी पर बने पुल से कूदकर एक नाबालिग जान पड़ती लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की है। आसपास के लोगों ने उसे पुल से कूदते हुए देखकर शोर मचाया और फिर गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया। यह घटना तोरवा थाना क्षेत्र के लाल खदान ओवरब्रिज की है। अपहृत इंजीनियर अशोक पवार की पत्नी सोनाली पवार जहां से अपहरण हुआ है, बदेरे के आसपास के जंगल में पति की खोज कर रही है। वो अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाए पति की तलाश में जंगलों की खाक छान रही है। रायपुर जिले के थाना मंदिर हसौ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुटेरी जंगल प्लांट में महिला की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी संतु दीवान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संतु धीवर ने बताया कि मृतका भगवतीन धीवर उसे फंसाने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करते हुए अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने मजबूर करती थी। रायपुर के कटोर तालाब स्थित नेताजी स्वीट्स में कारीगरों को कैद कर रखने और रुपए ना देने का मामला सामने आया है। श्रमिकों ने दावा किया कि पिछले महीने 13 कारीगर छत से कूदकर भाग गए। वहीं होटल संचालक ने सभी आरोप बेबुनियाद बताए हैं। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र में असली दाम लेकर नकली माल बेचने का मामला सामने आया है। ये दुकानदार असली कंपनी का लोगो लगाकर नकली सामान बेच रहे थे। मामले की शिकायत पुलिस से हुई तो वह पकड़े गए। इनसे नकली सामान भी जब्त किया गया है। कोरबा जिले के बालको कॉलोनी में संचालित कोऑपरेटिव बैंक से मंगलवार को रुपए निकलवाकर साइकिल में घर लौट रहे एक बुजुर्ग के साइकिल के हैंडल में लटके थैले से 40,000 रुपए नगद उठाईगिरी कर बदमाश फरार हो गए। बाइक में पहुंचे दो बदमाश सीसीटीवी कैमरे में उठाईगिरी करते हुए देखे गए। कोरबा स्थित गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में पहाड़ी कोरवा महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल के 3 वार्ड बॉय को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इस मामले के लिए गठित किए गए जांच दल ने घटना के तीसरे दिन जिला अस्पताल व गीता देवी के कर्मचारियों व चिकित्सकों का बयान लिया। रायगढ़ स्थित कोल खदान गारे पेलमा खदान की ब्लास्टिंग तीव्रता एवं जेपीएल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के विरोध में लिब्रा के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। पीड़ित ग्रामीण मंगलवार से चक्का जाम कर सड़क पर बैठ गए हैं। कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत कुंडला थाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव गजरी में विवाद के बाद बलवा हो गया। 20 लोगों ने एक घर को आग के हवाले कर दिया। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलवा के तहत मामला दर्ज किया है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 57 साल के एक टीचर ने 15 साल की छात्रा से अश्लील हरकतें की। आरोपी टीचर ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर पहले छात्रा को जल्दी ट्यूशन क्लास आने के लिए कहा। जब वह घर पहुंची तो दरवाजा बंद कर लिया और अभद्रता करने लगा। इसी बीच अन्य छात्र छात्राएं पहुंच गए तो आरोपी ने छात्रा को छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव जिले के अम्बागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम मुरेठी कला में शराब नहीं परोसने पर साली के साथ मारपीट करने वाले फरार जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे चिटफंड कंपनी बीएन गोल्ड के डायरेक्टर
विकास कुमार व विनय कुमार को बेमेतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों को मकान नंबर 412 संजय लेबर कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया फेस एक चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड पर लिया गया है। जंगली जानवर का शिकार करने की नियत से खेत में फैलाए गए विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से डुमरपाली के बीसी किशन खड़िया की मौत हो गई। मामले में महासमुंद जिले की पिथौरा पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ बलौदाबाजार जिले की सरसीवा पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। आरोपी मदनलाल अजय को अपने घर के बाड़ी में अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बीएसएनएल कंपनी का नोडल अधिकारी बनकर सिम बंद होने का झांसा देकर आवेदक के खाते से 1,51,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फ्रॉड को बीजापुर पुलिस ने दुमका झारखंड से गिरफ्तार किया है। ये लोगों को पहले कॉल करता था, फिर उन्हें सिम बंद हो जाएगा यह कहकर ठगी करता था। रायपुर जिले की डीडी नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खल्लारी चौक के पास से नशीली टेबलेट बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में खड़े नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अलग अलग स्ट्रिप में रखे कुल 100 नग नाइट्रोसन, 10 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट एवं एक्टिवा वाहन जब्त किया है। रायपुर के वीआईपी रोड में दो कारों की आपसी टक्कर में सेक्टर 9 भिलाई के रोहित विनायके की दर्दनाक मौत हो गई। रोहित विनायके अपनी मारुति अर्टिगा कार में कंपनी के काम से महासमुंद गए थे। काम से वापस आते समय अपने सहयोगी के छोड़ने माना कैंप जा रहे थे। पिछले दिनों दुर्ग में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में बजरंग दल और हिंदू संगठन से जुड़े करीब 150 लोगों ने दुर्ग रेंज के आईजी कार्यालय का घेराव किया और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई की मांग की है। रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित कुशाभाव कॉम्प्लेक्स में चोरी हुई एक बाइक की पतासाजी में जुटी चौकी पुलिस को बाइक खरसिया के रेलवे ट्रैक पर लावारिस हालत में पड़ी मिली, जिसकी पहचान पर बाइक की विधिवत जब्ती की गई। आरोपी ने पुलिस की सघन चेकिंग से घबराकर बाइक को रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था। रायगढ़ जिले की जूट मिल पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने वाले 3 आरोपियों की रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार साय ने सभी इंजीनियर और राजमिस्त्री को सकुशल रिहा करने की अपील की है। अगुआ इंजीनियर अशोक पवार और राजमिस्त्री आनंद यादव गरीब परिवार से हैं, काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बेदरे आए हैं। इनकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए दोनों को मानवता के नाते सकुशल रिहा करें।